हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनी टच 99। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधे आपको टॉपिक में लेके चलता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम में आपकी जीमेल आप अगर चेंज करना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम में अपनी जीमेल चेंज कर दें या दूसरी जीमेल ऐड कर दें, या आपको पता नहीं है कि वो जीमेल हमारी क्या कौन सी जीमेल ऐड है, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे और देखेंगे कैसे, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक वॉच करना है ताकि जो मैं आपको बताऊँ आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर भाई के चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन कर लेंगे, इसके बाद अपनी प्रोफाइल में ऐसे चले जाना है। जब आप अपने प्रोफाइल में चले जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइट साइड में ऊपर थ्री डॉट थ्री लाइन का ऑप्शन, इसमें आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको दिख जाएगा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन, तो यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर जाना है। जब आप अकाउंट सेंटर पर चले जाएँगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन। तो आपको इस पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे ऐसे जाना है। जब आप चले जाएंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ और क्या है मोबाइल नंबर जो भी ऐड है यहाँ पर आ चुका है। तो इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसमें कॉन्टैक्ट इन्फो में गया और यहाँ से मैं अपनी एक जीमेल ऐड कर दे रहा हूँ। पहले ये जीमेल अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर दूँगा। यहाँ से ऐसे डिलीट कर दिया, उसका पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डालना हो तो डाल दूँगा यहाँ से, जो भी मतलब मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अगर अगर यहाँ से ऐसे गया, इसको कंटिन्यू किया, अब इसमें मेरा मैसेज जाएगा, वो जीमेल मेरे में अभी दोस्तों OTP आ गया है। तो मैं OTP यहाँ पर डाल दूँगा फेसबुक का जो भी है, यहाँ से इसको मैं वेट कर लो। यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है तो मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल दे रहा हूँ कोई भी। मैं अपना ऐसे न्यू पासवर्ड डाल दूँगा, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। थोड़ा सा वेट कर लूँगा, ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं बैक आके दिखा दूँ, इसको यहाँ से क्या करते हैं बैक आ जाते हैं और यहाँ पर दिया है। अब देते हैं यहाँ पर, देखते हैं दिया है ऐड न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपको ऐड करना हो यहाँ से आप जीमेल ऐड को सॉरी नंबर ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी नंबर पर। यहाँ से आप अपना नंबर चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, और यहाँ से अपनी जीमेल भी ऐड करना सकते हैं। तो जैसे मुझे इसमें आप इसका नंबर ऐड करना है तो चेंज करना है तो चेंज कर दूंगा, इसका नंबर चेंज करना है तो वो भी कर दूंगा। तो यहाँ से आप नंबर चेंज करते हैं और फिर से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया है ऐड जीमेल एड्रेस। तो यहाँ से आप अपनी जीमेल डाल देंगे, वो तो जो भी जीमेल होगी आपको आपकी, जैसे मैंने कोई भी ऐसे एक जीमेल डाल दिया अपने। और मान लीजिए मुझे जिसमें से चेंज करना है, मैं ऐसे गया इसमें, इसमें जाने के बाद इसको ऐसे नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से, तो अपनी जीमेल में यहाँ पर इसको अपनी जीमेल यहाँ पर ऐड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मेरी जीमेल में कोड जाएगा तो वो जीमेल में मैं अपना कोड ले लूँगा यहाँ से। चलिए जीमेल में गया, जीमेल में जाने के बाद यहाँ से मैं अपने उस जीमेल को ओपन करके अपना कोड ले लूँगा। तो देख पा रहे होंगे ये मेरी जीमेल में यहाँ पर कोड आ गया है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ऐसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद दोस्तों अब सिंपली आपको क्या करना है, फिर यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। चलिए मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दूँगा तो मेरी जीमेल यहाँ से ऐड हो जाएगी और चेंज भी हो जाएगी। अब यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये मेरी जीमेल ऐड हो चुकी है और ये वाली इसको आप डिलीट कर सकते हैं अगर करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो कमेंट में हमको बताइए, हम आपको दोबारा ट्रेंड से बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।